सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल और इरेक्शन मतलब लैंगिक कठोरता, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होती है और तभी भी उनका सेक्स लाइफ अच्छा चलता है, मतलब इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो है वो बॉडी में चालू होता है 12, 13, 14 साल की उम्र में, और बेटे का पुरुष बनता है, बच्चे का पुरुष बनता है, पुरुष पौरुषत्व आता है, मैन तैयार होता है। नॉर्मल वैल्यू जो है, नॉर्मल वैल्यूज ब्लड में वो है 270 से लेके 1070 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है। 270 मतलब 270 के नीचे यदि है तो प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लो लेवल बोल सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन करता क्या है? टेस्टोस्टेरोन जिम्मेदार है फर्टिलिटी का, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, शुक्राणु की पैदाइशी करने के लिए। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल ब्लड में बढ़ जाती है तो आवाज़ मोटा होता है, मांसपेशियाँ बढ़ती है, हड्डियाँ स्ट्रांग होने लगती है, मूछ दाढ़ी के बाल आते हैं, काख में जांग में बाल आते हैं और एक मैन जैसा लुक लगता है। और वो यदि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो ये सब नहीं होता है, मतलब मूछ नहीं आएंगी, दाढ़ी नहीं आएगी या कम रहेंगे बाल, आवाज़ भी बारीक रहेगा लड़की जैसा, और फर्टिलिटी का भी प्रॉब्लम होता है, मतलब बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम होता है। थकान आती है, लो टेस्टोस्टेरोन रहा तो थकान जल्दी आती है, ऐसा लगता है कुछ काम नहीं करना, लिथार्जी, फिर पूरा बदन गर्म लगना और कोई भी काम में इच्छा नहीं होना, ऐसे टेस्टोस्टेरोन के लक्षण, मतलब डिप्रेशन जैसे लक्षण दिखते हैं। 40 साल की उम्र के बाद हर साल 1% लेवल टेस्टोस्टेरोन की अपने बॉडी में कम होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती टेस्टोस्टेरोन लेवल कम कम होते जाते, और फिर इसके लिए फिर बाल मतलब चैटी होना, बाल निकल जाना, ये होता है। अभी टेस्टोस्टेरोन कम है करके इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब जिनको बच्चे नहीं है, समझो जिनका स्पर्म ही नहीं है, शुक्राणु है नहीं, जीरो शुक्राणु है या स्पर्म बहुत ही कम है, ऐसे लोग हैं और उनका इरेक्शन अच्छा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम है और उनका इरेक्शन बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इरेक्शन में और सेक्स करने में। ऐसी स्टडीज़ की गई तो मैसाचुसेट्स स्टडी बहुत फेमस है। ये स्टडी में 625 पुरुषों को 40 से 70 उम्र के बीच वाले 625 पुरुष लिया और उनको जब जांच किया, उनका इंटरव्यू लिया तो ये मालूम पड़ा कि 41% लोगों को लैंगिक कमजोरी का प्रॉब्लम था, मगर उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम नहीं मिली, नॉर्मल थी, मतलब इरेक्शन होने कम होने के बाद में भी टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल था। एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी है, उसमें 1455 लोगों को जिनको इरेक्शन का प्रॉब्लम था, लैंगिक कमजोरी का प्रॉब्लम था, उनको लिया और उनमें देखा कि भाई टेस्टोस्टेरोन कम है क्या, तो 6% से कम लोगों को टेस्टोस्टेरोन लेवल कम मिली, इतने कम लोग मतलब कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च करके जानकारी ली कि भाई टेस्टोस्टेरोन और इरेक्शन का ज़्यादा कोई संबंध नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है क्योंकि लोगों को लगता है इरेक्शन कम है मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, इसलिए लोग टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते रहते हैं ताकि इरेक्शन आएगा, वैसा कोई ज़्यादा संबंध नहीं है इरेक्शन का। तो टेस्टोस्टेरोन इस टेस्टोस्टेरोन वो मैनलीहुड के लिए अच्छा है, सेक्स ड्राइव के लिए अच्छा है, स्पर्म की ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए अच्छा है, मगर इरेक्शन के लिए वैसा उसका डायरेक्ट संबंध है नहीं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से,
तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।